कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस में पढ़ते हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वॉलेटाइल मेटल, ऐश एंड द कार्बन। अल्टीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड ऐश। इनिशियली हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जिस भी सैंपल का में हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज कार्बन एंड हाइड्रोजन का, उसका हम कंबशन कराते हैं। कंबशन एपरेटर्स में उसका हम कंबशन कराते हैं। तो कंबशन करवाने पर क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही हम लोग कंबशन कराते हैं तो कंबशन कराने पर जो कार्बन होती है ये हमारा यहाँ पर हम किसी भी ट्यूब के अंदर यहाँ पर सैंपल ले लेते हैं हमारा, और देन उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं क्योंकि कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। देन इसको इग्नाइट करने के लिए इसको हम टेम्परेचर देते हैं। जब इसका कंबशन होता है तो कंबशन होने पर यहाँ पर जो कार्बन होता है वो कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में। ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो होता है रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है CO2 में, और जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है H2O में। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी CO2 बनेगी, जितना हाइड्रोजन होगा उतनी H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि CO2 कितना बना है, H2O कितना बना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर CO2 और H2O का अमाउंट फाउंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कम्बशन के बाद ये जो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और H2O, इसको यहाँ हम आगे पास करते हैं यू शेप की ट्यूब्स में। दो यू शेप की ट्यूब्स हैं, एक में प्रेजेंट है एनहाइड्रस CaCl2 और दूसरी में प्रेजेंट है KOH। एनहाइड्रस CaCl2 हम लोगों ने डेसिकेटर में पढ़ा था कि उसके बॉटम में CaCl2 प्रेजेंट होता है। CaCl2 का काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। जब यहाँ से हाइड्रोजन से जो H2O बना है जब यहाँ से पास होगा यू शेप की ट्यूब में, ये गैसेस प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में होते हैं, वाटर जो होता है मॉइस्चर की फॉर्म में होता है और जो CO2 है गैसेस फॉर्म में। तो जैसे ही ये जो यहाँ से पास होंगे यू शेप की ट्यूब में तो एनहाइड्रस CaCl2 होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देन इसके बाद आगे गैसेस प्रोडक्ट पास होंगे सेकेंड ट्यूब में जिसमें KOH सॉल्यूशन है। KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर CO2 को। यहाँ पर ये रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन होने पर क्या होता है, जो KOH है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है K2CO3 और H2O में, और जो कैल्शियम क्लोराइड है ये कन्वर्ट होता है CaCl2.7H2O में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब किया है KOH ने, CaCl2 उसको एब्जॉर्ब किया 7H2O में। तो क्या होता है, इनका जो वेट है वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण और CO2 के साथ रिएक्शन करने का वेट में चेंज होता है, वेट बढ़ जाता है। तो जितना वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर यू शेप की ट्यूब में, उतना इसका मतलब उसमें अमाउंट प्रेजेंट है H2O का और CO2 का। इनिशियल वेट नोट कर लेते हैं यू शेप की ट्यूब में भरने पर, और फाइनल वेट यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद वेट नोट कर लेते। तो जितना भी वेट में इंक्रीज है वो नोट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इस ट्यूब में भी QH का इनिशियल वेट जो भी हमने डाला है वो नोट कर लेंगे, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो वेट भी नोट कर लेंगे। तो जितना यहाँ पर वेट में इंक्रीज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला है। कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज इन दी वेट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 12 डिवाइडेड बाय 44। 12 डिवाइडेड बाय 44 कहाँ से आया है, ये एक्चुअली जो कार्बन होता है कार्बन का यहाँ पे जो एटॉमिक वेट बात करें तो 12 होता है और CO2 का 44 हमें निकालना है कार्बन का। तो इसलिए हम लोगों ने किया 12 डिवाइडेड बाय 44। CO2 में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए 2 होता है और H2O के लिए 18 होता है। हाइड्रोजन के फॉर्मूले में देखिए एक बार कि जो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है इसमें इंक्रीज इन दी वेट ऑफ CaCl2, क्योंकि CaCl2 ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर किससे हुआ, हाइड्रोजन से, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 2/18 इंटू में 100। इन दोनों फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया है, जो सैंपल होता है सैंपल का हम कंबशन कराते हैं। तो कंबशन कराने पर जो कार्बन होती है वो CO2 में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोजन होती है वो H2O में कन्वर्ट होती है।
CO2 और H2 का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इन गैसेस प्रोडक्ट को हम लोग पास करते हैं यू शेप की ट्यूब में। एक यू शेप की ट्यूब में प्रेजेंट होता है एनहाइड्रस CaCl2 और दूसरी प्रेजेंट होता है KOH। KOH एब्जॉर्ब करता है CO2 को और रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है पोटेशियम कार्बोनेट का और H2O का। कैल्शियम क्लोराइड होता है H2O को एब्जॉर्ब करके हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है जलदहल मेथड। जलदहल मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जलदहल फ्लास्क है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस भी सैंपल में हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कितना नाइट्रोजन उस सैंपल को, उसमें साथ में H2SO4 और कैटलिस्ट डालते हैं। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं CuSO4 K2SO4, ये कैटलिस्ट इसमें हम ऐड कर देते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सैंपल को कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। इट मींस क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो नाइट्रोजन है प्रेजेंट वो रिएक्शन करती है H2SO4 के साथ और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है अमोनियम सल्फेट का। सैंपल के अंदर जो नाइट्रोजन है H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्म अमोनियम सल्फेट। जब ये अमोनियम सल्फेट कम्प्लीटली बन जाएगा देन इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जो जलदहल फ्लास्क है इसका जो कंटेंट है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में। राउंड बॉटम फ्लास्क और जलदहल फ्लास्क में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में है और ये यहाँ पर बिल्कुल राउंडेड में नहीं होता। इसकी नेक जो होती है वो लॉन्ग होती है कंपेरिजन टू दिस फ्लास्क। देन अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद इस कंटेंट में हम साथ में NaOH ऐड करते हैं। NaOH ऐड करने के बाद इसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन होती है NaOH के साथ और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अमोनिया गैस का। ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है अमोनियम सल्फेट और NaOH की रिएक्शन से, साथ में बनते हैं सोडियम सल्फेट और H2O। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अमोनिया गैस ये कहाँ से बनी है, नाइट्रोजन से बना अमोनियम सल्फेट और फिर इस अमोनियम सल्फेट से फॉर्मेशन हुआ है अमोनिया के, यानी कि जितना नाइट्रोजन होगा उतना अमोनियम सल्फेट बनेगा और जितना अमोनियम सल्फेट होगा उतनी ही नाइट्रोजन बनेगी। इस तरीके से आगे हम क्या करेंगे, अमोनिया का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि अमोनिया कितनी बनी है। जितनी अमोनिया बनेगी इसका मतलब ये होगा कि उतना अमाउंट यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब अमोनिया का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो अमोनिया ये गैस के फॉर्म में बनती है, अब अमोनिया एक बेस होता है तो यहाँ पर बेस की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिड से। तो कैसे कराते हैं, यहाँ पर ये जो अमोनिया यहाँ पर बनती है ये यहाँ पर बनती है गैस फॉर्म में। अब इसको हम ट्रैप करके गैस को आगे पास करते हैं यहाँ पर इस कॉनिकल फ्लास्क में थ्रू दी कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, गैस को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद ये गैस यहाँ पर अमोनिया है जो इस कॉनिकल फ्लास्क में आ रही है। कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है स्टैंडर्ड एसिड, एक ऐसा एसिड जिसकी नॉर्मलिटी वॉल्यूम हम लोगों को पता है। जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कितने अमाउंट में एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन की है तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें अमोनिया का कितना अमाउंट बना है। तो यहाँ पर इनिशियली सपोज हम लोग 50 ml एसिड लेते हैं, 50 में से 20 ml अगर उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लिया हाँ तो रिमेनिंग बचेगा 30। अगर हम लोगों को ये 30 ml ये तो पता है टोटल, अगर ये पता चल जाए कि रिमेनिंग बच रहा है 20 रिएक्ट कितना किया, अभी हम लोगों को नहीं पता क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना रिमेनिंग बचा है अगर ये पता चल जाए तो 50 - 30 करके हम लोग ये निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट का पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैक टाइट्रेशन करते हैं। बैक टाइट्रेशन का मतलब है इस वाले जो सॉल्यूशन की रिएक्शन हम कराते हैं किसी दूसरे बेस के साथ तो कितना बेस का अमाउंट वो कंज्यूम कर रहा है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पर कितना रिमेनिंग एसिड है, उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि कितना यहाँ पर
एसिड का वॉल्यूम है जो कंज्यूम किया है अमोनिया ने। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि कितना अमोनिया का अमाउंट यहाँ पर बना है। एक फार्मूला है यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, वेट ऑफ कोल टैकर। इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 आया है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, कैसे आया है 14 एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो जल्दहल मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। दोबारा एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है प्लस H2SO4 और कैटलिस्ट डाल देते हैं, गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ये क्लियर सॉल्यूशन नहीं बन जाता। देन इस सॉल्यूशन को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, इसमें हम डाल देते हैं NaOH और तब तक इसको गर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, फिर अमोनिया गैस को आगे हम पास कर देते हैं थ्रू द कंडेंसर इस कॉनिकल फ्लास्क में। इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, अमोनिया बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, जितना यहाँ पर बेस बनेगा उतना ही एसिड का अमाउंट कंज्यूम होगा। तो एसिड का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है उससे हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है, पहले नाइट्रोजन की रिएक्शन H2SO4 के साथ होकर अमोनियम सल्फेट बनता है, देन अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ फॉर्मेशन करता है अमोनिया गैस का साथ में सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब ये अमोनिया गैस बनी है जिसको हम पास कर रहे थे कॉनिकल फ्लास्क में, जिसके अंदर स्टैंडर्ड एसिड था, उसके साथ रिएक्शन करके अगेन फॉर्मेशन होता है अमोनियम सल्फेट का, एसिड बेस की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो सैंपल है हमारा, जिस सैंपल में फाइंड आउट करना है उसको हम बॉम कैलोरीमीटर में बर्न करते हैं। बॉम कैलोरीमीटर में बर्न करने के बाद क्या होता है, जो सल्फ़र होता है पहले कन्वर्ट होता है SO2 और SO3 में, देन वो H2O के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है सल्फेट में। यहाँ पर यानी कि जो हमारा सल्फ़र है बॉम कैलोरीमीटर में कन्वर्ट होता है सल्फेट में, देन इस सल्फेट अमाउंट का अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें जो ऐश बचती है उस ऐश को एक्सट्रैक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, देन उसमें फिर हम ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ एंड फॉर्मेशन होता है बेरियम सल्फेट का। अब इस बेरियम सल्फेट ये वाइट PPT की फॉर्म में होता है, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं, फिर वॉश कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं। अब इस बेरियम सल्फेट का वेट नोट करते हैं कि कितने अमाउंट में फॉर्मेशन हुआ, जितना सल्फ़र होगा उतना सल्फेट बनेगा और जितना सल्फेट होगा उतना बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। इस अमाउंट से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि बेरियम सल्फेट का यहाँ पर कितना अमाउंट बना है। बेरियम सल्फेट का अमाउंट पता करने के बाद हम लोग फार्मूले से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर कि सल्फ़र का परसेंटेज कितना है, वेट ऑफ BSO4 यहाँ पर जो आएगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 32 डिवाइडेड बाय 233। 32 तो होता है सल्फ़र का वेट और 233 होता है बेरियम सल्फेट का और इनटू में 100 कर देंगे। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। ऐश का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में किया था सेम एज इट इज़ इस तरीके से हम ऐश का परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अब तक जो हमने फाइंड आउट किया परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऐश, इन सबको 100 में से माइनस करने पर ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी सैंपल। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश एंड ऑक्सीजन थ्रू दी अल्टीमेट एनालिसिस। देन इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोल सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो जो कोल सैंपल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू में कोई रोल नहीं होता है। सल्फ़र होता है, सल्फ़र के कम्बशन से हीट मिलती है लेकिन ये क्या करता है, अनडिज़ायरेबल होता है क्योंकि इससे क्या होता है, SO2 और SO3 का फॉर्मेशन होता है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। और जो ऑक्सीजन होता है,
ये क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है वॉलेटाइल मैटर की फॉर्म में या फिर मॉइस्चर की फॉर्म में। तो एक गुड क्वालिटी का जो कोल होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज तो ज़्यादा होता है, बाकी नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इनका परसेंटेज कम होता है।